चलो दोस्तों, एक बार फिर हम निकल चुके हैं बेजुबान को बचाने के लिए। और रात का समय है, रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं दोस्तों। और ऐसी में अभी सूचना मिली है तो ये हमारे नीरी से तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर ये अड़े गाँव है। इसके पहले भी इस गांव में आ चुके हैं, हम रेस्क्यू कर चुके हैं। तो यहाँ पे अभी रात के समय में सांप देखा गया है और सांप बहुत बड़ा है करके सूचना मिली है अभी हमें। आइए बने रहिए हमारे वीडियो में, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे में उस बेजुबान को बचाने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं उसे फटाफट के अंदाज में। तो ये घर है दोस्तों, किसान का घर, कपास वालों कपास वगैरह सब भरते हैं। तो ये किचन रूम है दोस्तों इनकी, यहाँ पर ये भोजन बनाने का काम होता है। और जहाँ अनाज रहता है वहीं चूहे और चूहों खाने के लिए अक्सर ये सांप निकल जाते हैं। तो दोस्तों, सांप ठंडकाले में कम निकलते हैं लेकिन बरसात और धूपकाले में ज्यादा निकलते हैं दोस्तों। तो ये बिल में ही घुसा है बोलते हैं अभी, तो इस बिल को अभी खोदेंगे और बाद में उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। फाइनली सांप हमें मिल गया है। इतनी मेहनत हमारी बेकार नहीं गई और जो रात में आए हम तो वो हमारी मेहनत सफल हो गई। फाइनली ये सांप ना मिल गया है। देखो दोस्तों, यहाँ यही छुप के बैठा है ये। हमें अभी सांप दिख गया है। ये पूरी रूम फर्शी की थी, पूरी इसे खोद खाद करने के बाद सांप देखो यहीं छुपा है बिल्कुल मिट्टी के अंदर। टच पकड़, टच थोड़ा बाजू मार लखन में। आता वन साइड होने जाती साइड ले होने जाती पकड़ना तो पकड़ना था भाई। ये बैक कर, बैक 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 को रखना।
तो काफी अग्रेसिव है दोस्तों ये सांप, देखो बैक को ऐसा बाइट करने की कोशिश कर रहा है। वो भी रात के समय निकले तो डर तो लगना लाजमी है दोस्तों। तो इसकी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको, इसको हिंदी में नाग, मराठी में नाग, इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा करके बुलाया जाता है, कहीं कहीं पलटू, कहीं कहीं गेवन और कहीं कहीं हरिस के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों ये। और साइंटिफिक नेम इसका नाजा नाजा है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है जिसके बाइट होने के बाद अपने पास सिर्फ 40 से 50 मिनट का समय होता है। ऐसे में आपको कोई झाड़ फूक के चक्कर में गिरना नहीं है, सीधे सरकारी दवाखाना जाना है और अपना सही से इलाज करवाना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इसे अब कपड़े के बैग में अभी पैक करेंगे। लाओ तेज़ करने को। अरे भाऊ आज जाते उधर नहीं जाते भाई तो ना जाए ज़्यादा समय पतले और तो इसे हमने अभी कपड़े के बैग में सुरक्षित पैक कर दिया है और बाद में इसके इसे अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएंगे। हमारा काम आपको अच्छा लगता है दोस्तों, आप वीडियो में नए हो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो में नए दोस्तों देख सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे कोई भी बेजुबान को बचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र दोस्तों, धन्यवाद। Thank you.